अडिया वर्ल्ड वाइड की ओर से प्रस्तुत मन की प्रार्थना इस ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलाणी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्ध जागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से ये प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं, मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं, मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं, हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता, मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूं। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूं। मैं जानता हूं कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के साथ
समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं, किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है, मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों ना हो, मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं, और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं, और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कई ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूं, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं,
जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इच्छा किसी भी सृजन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, शत प्रतिशत अमल करता है, और इसीलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुंचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझमें छुपी टेलीपथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रख सकता हूँ और जब भी चाहूँ तब उसका उपयोग कर सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूँ।
जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुता से व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्वों में विश्वास रखता हूँ। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोषों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोषों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ।
सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूँ। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चुकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदउपयोग करता हूं। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूं। मैं खुश हूं, सुखी हूं और सुख बांटता हूं। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं।